कान्हा की लीलाओं का साक्षी गोवर्धन, जहां हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा करने आते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस सप्तकोशीय परिक्रमा मार्ग में पीने के पानी की एक बड़ी किल्लत है। यहाँ के लोग पानी के लिए दर दर भटकते हैं, लेकिन परिक्रमा मार्ग में केवल एक दो हैंडपंप ही हैं, जिनके द्वारा यहाँ के लोगों को पीने का पानी बमुश्किल नसीब हो पाता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ताजा तस्वीरें हैं, वो गिरिराज परिक्रमा मार्ग स्थित नगला सपेरा की हैं। यहाँ लगभग 800 परिवार पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करते दिखाई देते हैं। यहाँ रहने वाले बाशिंदों का कहना है कि नगला में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, केवल एक नल परिक्रमा मार्ग में मौजूद है, इसी से सभी ग्रामीण पानी पीने के लिए ले जाते हैं। कहाँ की रहने वाली हो? नगला की हो। अच्छा, पानी की क्या है स्थिति है? पानी अच्छा मिलता है? पानी का अच्छा है, खारा पानी है यहाँ पर। ये नल है, एक ही नल है? गांव में भी नहीं है, यहाँ पर परिक्रमा में लग रहा है। गांव में कोई नल ही नहीं है मीठा पानी। कोई नल नहीं है? अच्छा, कितने लोग रहते हैं लगभग यहाँ नगला में? 200-300 करीब। कितने परिवार निवास करते हैं नगला में? पूरे ही है, निवास तो पूरे ही करते हैं। अच्छा, पानी की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है? प्रधान ने कोई नहीं लगवाया भाई? पापा ने तो बहुत। अच्छा, यहाँ पानी की क्या स्थिति है? पानी की एक ही नल है, इस पे ही भरने आते हैं। अच्छा, ये परिक्रमा में नल लगा हुआ है, यात्री पानी पीने के लिए आते होंगे। अच्छा, भीड़ रहती है इस नल पे? हाँ, बहुत। अच्छा, इसमें नगले में कोई और नल है ही नहीं? अच्छा, मीठा ये एक ही है। जल निगम द्वारा कोई और कोई सुविधा नहीं है ना? कोई प्रधान जी आरोप कराई गई? पापा ने लगाया था, लेकिन वहाँ पर भी खराब पानी निकल गया है, और इतनी दूर की वजह से वहाँ जाते नहीं है, और यहाँ पर कोई नल लगाने नहीं देता है। यहाँ नल नहीं लगाने देता कोई? तो आप इस पर पानी भरने के लिए आए, यही एक मीठा नल है। वही कुछ ग्रामीणों का कहना था कि गांव के प्रधान की लापरवाही के चलते लोग पानी के लिए परेशान हैं। मेरा नाम मदन लाल भगत जी है। मैं 2006 में सभासद भी रहा था टाउन एरिया में, लेकिन दो साल से मैं यही रहता हूँ। अच्छा, पानी की क्या स्थिति है यहाँ? पानी कैसा है? पानी की ये स्थिति है कि एक दो बार प्रोग्राम आया भी था कि उधर में लग जाए नल, पर ये प्रधान है, ये निकम्मा है, जनता के हित की बिल्कुल नहीं सोचता। अच्छा, इस नगला में एक ही नल है? यही नल है, एक ही नल पर इतने लोग पानी भरते हैं। और ये राधापुर में टाउन एरिया के द्वारा लगा हुआ है, जब हम सभासद बने हुए थे तो 2008 में लगवाया। अच्छा, इस नगले की कितनी आबादी, कितने लोग रहते हैं? यहाँ नगले की आबादी होगी लगभग 8 से 1000। अच्छा, परिक्रमा श्रद्धालु अक्सर पानी यहाँ पीने के लिए आते होंगे? बहुत, और ये पानी बढ़ती रहती है, और वो प्यासे किल्लाते रहते हैं। मैं इस बात पे तो इनको गुस्सा होता हूँ कि पहले परिक्रमा की पियेंगे, बाद में आप भरोगे। परिक्रमा वाले इससे पीते हैं तो पीछे सभी खारे पानी, कोई मीठा नहीं है। अच्छा, ये नल मीठा है बस? ये मीठा है।